पिछले 25 साल से पूरे भारत वर्ष में यूपीएससी, जिसे हम सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं, उसमें तमाम बच्चों को पढ़ा के और उनको जो है सिविल सर्विस में रिक्रूटमेंट कराना, यानी वहाँ से ALS से पढ़ के सिविल सर्विस में जो है जॉब ऑप्टेन करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और हमें ये भी खबर मिला है कि ALS ने पिछले 25 सालों से बच्चों को जो है पढ़ा रहा है, जिसके थ्रू से अभी तक पूरे भारत वर्ष में जो है 3,500 से भी अधिक जो है सिविल सर्विस में यानी जॉब ऑप्टेन कर चुके हैं। और ऐसा ही जब हम स्टेट की बात करते हैं, सभी स्टेट में अपना अपना एक स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम होता है, हमारे अरुणाचल में APCSS कहा जाता है। और इसे अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए ना, पूरे स्टेट में जो है अभी 5,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो है ALS में पढ़ के जो है अभी अपने अपने स्टेट में जो है सेवा दे रही है। ये बहुत बड़ा एक संख्या होता है जिसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और ये काम जो है ALS जो कर रही है। और सबसे खुशी की बात है, जब आप अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में पिछले 4 सालों से हम लोग कह सकते हैं, या फिर अभी नयाली जो ALS जो है शुरू हुआ, उस समय हमारे बच्चे दिल्ली में जा करके ALS में कोचिंग करना पड़ता था। तो उनके लिए अभी अरुणाचल के बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है, ALS अभी ईटानगर में खुद यहाँ पर आए हैं आपको जो है पढ़ाने के लिए। और ALS के बारे में और विस्तार से जानने के लिए हम लोग यहाँ के फैकल्टी से हम लोग बात करते हैं, जो कि मनीष गौतम है, उनसे हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सर, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से अरुण भूमि के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जी, ये सर हम दोनों का ये दूसरी दफ़ा होगा मैं ALS को लेकर के आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ कि आने वाले सालों में बहुत सारे हमारे अरुणाचल से, हमारे अरुणाचल के बच्चे जो सिविल सर्विस एग्जाम हो या फिर स्टेट का जो सिविल सर्विस एग्जाम हो, यहाँ टॉप करके आने वाले समय में हमारे जनता को सेवा देंगे, सरकार को भी सेवा देंगे, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ सर। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को एक चुनौती होता होगा दिल्ली से आकर के या बच्चों को ALS में मतलब इंटरव्यू कराना, उनको कोचिंग करना, तो ये आइडिया कैसे सूझा कि ALS जो है ईटानगर में होना चाहिए सर? दिल्ली में हमारे पास भारत के अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं जी। और वो वहाँ पर पढ़ते हैं और पढ़ने के उपरांत वहाँ सफल भी होते हैं, कुछ अपने स्टेट में जा कर के अपना स्टेट PCS का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं जी। इसमें अरुणाचल के भी सीमित मात्रा में, लिमिटेड नंबर में बच्चे वहाँ आते थे जी। और उनके तैयारी करके वो भी निकल रहे थे। तब हमें ऐसा लगा कि अरुणाचल में भी ऐसे बच्चों की संख्या है जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास दिल्ली आकर के पढ़ने का ना तो संसाधन है और ना ही अवसर है। तो हमें लगा कि अगर हम ईटानगर में अपना ब्रांच खोलेंगे तो ऐसे बच्चों को भी सिविल सर्विस में जाने का अपना सपना साकार करने का मौका मिलेगा। तो हमने 4 साल पहले सैटेलाइट एजुकेशन के माध्यम से ईटानगर में ब्रांच खोला। फिर हमें लगा कि यहाँ के बच्चों को अगर सीरियस प्रिपरेशन में इनरोल करना है तो सैटेलाइट एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। तो पिछले वर्ष हमने डिसीजन लिया कि हम फेस टू फेस सेंटर यहाँ चलाएंगे और हम दिल्ली के बेस्ट टीचर्स को ईटानगर भेजेंगे जो यहाँ रह करके बच्चों को वही क्लासेस कंडक्ट करेंगे जो वो दिल्ली में करते हैं। निश्चित तौर पे इसमें चुनौती है, लॉजिस्टिक का चुनौती है, टीचर्स को मोटिवेट करना कि आप आएं ईटानगर और रह करके क्लास कंडक्ट करें, लेकिन जब यहाँ के बच्चों का हमें रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा, क्लास के बाद जब वो क्लास से निकलते हैं और एक सेटिस्फैक्शन हम उनकी आंखों में देखते हैं, एक विश्वास देखते हैं कि वो भी कर सकते हैं इस परीक्षा की तैयारी और सफल हो सकते हैं, तब जो चुनौती है वो हमें कम दिखने लगता है जी। सर, इसका मतलब भैया हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि एक समय हमारे बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता था, तो अभी वो वजह है ही नहीं कि दिल्ली जाके हम लोग पढ़ाई करें। हमारे बच्चे जो मिडिल क्लास का भी हो या फिर गरीब के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं ALS के थ्रू, तो वो जो है जब ALS में आना चाहेंगे तो यहाँ आपका क्राइटेरिया क्या होता है जो ALS में आप लोगों के जो काबिल जो मतलब फैकल्टी के सामने जो है पढ़ने का जो मतलब जरिया क्या है, कैसे यहाँ पर ALS में आ सकते हैं बच्चे, हमारे बच्चे?
पहला तो ये है कि जिन बच्चों को सिविल सर्विस एग्जाम में अपियर होना है जी, वो तो खुद ही पता करके आ जाते हैं, और जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि ये सूचना अरुणाचल के सभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स तक पहुंच जाए कि ALS ईटानगर में फेस टू फेस क्लासेस कंडक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे जो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और नीचे के जो बच्चे हैं उनके पास पैसा नहीं है, धन का अभाव है जी। आपको पता होगा कि आप ही के राज्य के एक बहुत ही काबिल पुलिस अधिकारी हैं श्री रॉबिन हुइबू, उनका एक संस्था चलता है हेल्पिंग हैंड्स जी, जी, तो ALS हेल्पिंग हैंड के साथ एक स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करता है हर साल जी। और जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं अरुणाचल के भी शामिल होते हैं, और उसमें प्रदर्शन करके जो योग्य और जो डिजर्विंग है जी, दोनों ही तरह के बच्चों को हम चिन्हित करते हैं और उनको हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। और अन्य जो बच्चे हैं जो फी को अपना वहन कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनको हम एडमिशन देते हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे गाइडेंस में ना सिर्फ क्लासरूम में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सेशंस को कंडक्ट करना, बल्कि क्लास के बाद बच्चों को सपोर्ट प्रदान करना, उसके लिए हमने एसोसिएट फैकल्टी रखा हुआ है, हमने ऐप बनाया हुआ है, उस ऐप के माध्यम से हम उनको ऑनलाइन कंटेंट देते हैं, क्लास के लिए जब आते हैं तो उनको प्रिंटेड कंटेंट देते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, पूरे एक साल उनको मोटिवेटेड रखते हैं, उनको इंस्पायर्ड रखते हैं, उनको फोकस्ड रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, लेकिन अंत में बच्चों का मेहनत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा मार्गदर्शन का सीमित महत्व है। जी जी बिल्कुल सर, लोग तो ये भी जानना चाहेंगे ना कि ALS अरुणाचल में कैसे आया, क्योंकि आपने हिबू रॉबिन सर का नाम को जो जिक्र किया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का पहला IPS ऑफिसर होता है, और खुशी की बात है कि अभी जो है उनको और प्रमोशन दिया गया है, ये सभी अरुणाचल के लिए गर्व की भी बात है। तो रॉबिन हिबू सर का एक सोच होगा कि अरुणाचल प्रदेश से कोई ऐसे सिविल सर्विस एग्जाम में क्रैक करके आना चाहिए, सिविल सर्विस एग्जाम में एक IAS ऑफिसर बनना चाहिए, IPS ऑफिसर बनना चाहिए, जो भी बहुत सिविल सर्विस होता है तो उनका भी कुछ सोच होगा। जब आप रॉबिन हिबू सर को मिलते हैं तो वो आपको क्या जिक्र करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बच्चे कैसे क्रैक कर सकता है, या फिर वो कितना ऑफिसर्स को देखना चाहता है, मतलब उनके साथ आपने कभी बातचीत हुआ? बहुत एक्सपीरियंस जी सर जी, बहुत बार इस पर जो है उनसे बातचीत होते रहती है जी, जी। और मैं आपको और आपके माध्यम से अरुणाचल के सभी आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ALS ईटानगर में जो आया है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रॉबिन हिबू और उनकी सोच है जी। और उनके अंदर मैंने एक भाव देखा कि पे बैक टू सोसाइटी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष करके जीरो वैली से निकल करके दिल्ली एगमुट कैडर में काम करते हुए DG रैंक तक पहुंचे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में इनिशियल डेज में बहुत स्ट्रगल किया जी। अब वो चाहते हैं कि जो हमारे अरुणाचल के बच्चे हैं जो दूर दराज के क्षेत्र में हैं, अगर उनके अंदर भी जज्बा है तो उनका स्ट्रगल कम हो और सफलता अधिक मिले। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप लोग तो यूं इंडिया के बहुत सारे स्टेट के बच्चों को पढ़ाते हो और IAS बनने में अपनी भूमिका निभाते हो, आपको मेरे राज्य में भी चलना होगा और हमारे बच्चों को भी। और जिस तरह का उन्होंने निवेदन किया और जो हमने देखा उनके आंखों में, उनके वाक्य में कि अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे मुख्य धारा में लाना है, अच्छे पदों तक पहुँचाना है, तो हम भी ना नहीं कह पाए। और हम जब यहाँ आए तो हम अब बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर ALS में अरुणाचल के एस्पिरेंट्स को ट्रेनिंग एजुकेशन देकर। हमारे बच्चे में आप क्या खूबी देखते हैं कि क्या आने वाले समय में अरुणाचल के बच्चे ALS में पढ़ के, या फिर अभी तो आपको तजुर्बा भी हो गया कि हमारे बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं या फिर उसके साथ इंटरेक्ट आप करते हो, तो हमारे बच्चों का जो है समझ का जो मतलब जो एक लेवल होता है, क्या ये जो जितने जो अरुणाचल से जो बच्चे अभी आपके सामने जो पढ़ रहे हैं, क्या ये लोग IAS ऑफिसर के लिए मतलब
आने वाला समय में बन सकता है कि उनका जो आईक्यू लेवल या फिर उनका जो ऑफिसर बनने का एक जो उनका जुनून एक होता है या फिर पढ़ने का उनका एक नज़रिया होता है और उनका जो है नॉलेज एक होता है, क्या ये दूसरे स्टेट से अलग है या फिर अरुणाचल के लोगों का जो है माइंडसेट पढ़ने का जो अलग है? आप अभी तक का एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं हमारे बच्चों को लेकर के सर? अरुणाचल प्रदेश के बच्चों में जो एक चीज़ हमने देखा है वो ये है कि उनका जो बेस है वो कमज़ोर है। जी जी, जो सच्चाई है उसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर इस सच्चाई को स्वीकार करके जो बच्चा मेहनत करता है वो इस परीक्षा में अंतिम रूप से सफल हो जाता है। जी। एक अच्छी चीज हमने देखी है अरुणाचल प्रदेश के बच्चों में कि मेहनत करने की इच्छा है। जी, जी जी। लेकिन अगर कोई उनको सही तरीके से प्रोत्साहित कर दे, इंस्पायर कर दे, मोटिवेट कर दे और गाइडेंस दे दे, तब वो मेहनत करके सफल हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर ये इंस्पिरेशन और गाइडेंस ना मिले तब वो एक बहुत ही मीडियोकर बड़े सपने लेकर के ही रह जाते हैं। जी जी। तो ये एक अंतर है। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज बताना चाहूंगा कि 2023 का जो रिजल्ट आया सिविल सर्विस का वो अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में एक काफी अच्छा रिजल्ट था। हालांकि 2024 के रिजल्ट में उस तरह के परफॉर्मेंस को अरुणाचल प्रदेश नहीं दोहरा पाया और मुझे बड़ा गर्व है कि पेबिका लेगो और यांजिन तेंजिंग यांकी और ऑस्टिन तयांग, ये तीनों ही हमारे यहाँ स्टूडेंट थे। लेकिन ये तीनों ही मुझे याद है कि दिल्ली में हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के लिए आए थे और इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आए थे और उस दौरान इनसे हम लोगों का काफ़ी जो है इंट्रैक्शन हुआ था। और तब हमने इनसे भी जब बातचीत की थी तो हमें ये एहसास हुआ था कि अभी अरुणाचल के बच्चों को अगर सिविल सर्विस एग्जाम में सफल होना है तो बिना दिल्ली पहुंचे संभव नहीं है। जी। इसी को ठीक करने हेतु हमने पिछले वर्ष यह डिसीजन लिया कि हम अब फेस टू फेस क्लासेस जी ईटानगर में चलाएंगे और जो दिल्ली का क्वालिटी टीचिंग है बिल्कुल उसको हम ईटानगर में ही देंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि जो प्रारंभिक हमें रिस्पॉन्स मिला है वो काफ़ी अच्छा है। आज मैं आपके इस इंटरव्यू के पहले जस्ट एक 5 घंटे का सेशन लेके आ रहा हूँ और उस 5 घंटे के सेशन के दौरान जिस तरह से मैंने बच्चों को 5 घंटे लगातार बैठ करके क्लास के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हुए देखा सीरियसनेस के साथ, उसने मेरे इस विश्वास को और दृढ़ कर दिया है कि अगर हम ऐसे ही इस कार्यक्रम को आगे 1-2 वर्ष चलाएंगे तो आने वाले समय में अरुणाचल प्रदेश से गुड नंबर्स में सिविल सर्वेंट्स निकलेंगे। बिल्कुल, ये बहुत खुशी की बात है सर ने जैसे कहा, क्योंकि हमारे अरुणाचल के बच्चों को मतलब मार्गदर्शन की ज़रूरत है। नॉलेज की कमी नहीं है लेकिन उनको मेहनत भी करना होगा और जिस प्रकार से ALS जो है ना उनको मार्गदर्शक के तौर पे अभी जो है यहाँ जो क्लासेस ले रही है ये आने वाले समय में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सर ने जैसे जिक्र किया है कि 3 ऐसे अरुणाचली हैं जो 2023 को क्रैक करके अभी आप बोल सकते हैं कि IAS ऑफिसर बन गए हैं। हो सकता है कि हालांकि आने वाला समय में उनको जो अलग अलग जगह में ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो 3 जो है जो अभी सेलेक्ट हुए हैं जो क्रैक जिन्होंने किया है ये भी ALS के एक समय मतलब यहाँ के बच्चे थे, जो कि खुशी की बात है। सर आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि क्या मतलब जब ये ALS की जब हम लोग जिक्र करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे बच्चे ALS से फ़ायदा कैसे उठाएं? क्योंकि ऐसे कई बार ऐसे होता है कि ALS का नाम तो वो बहुत लोगों ने सुन रखा है, ALS IAS को सुन रखा है और बाकायदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ही इसको उद्घाटन किया था, लेकिन अभी तक ऐसे भी हो सकता है कि कोने कोने में ALS के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो हमारे बच्चे कैसे मतलब आपके जो इस प्रकार से जो आप लोग एजुकेशन जो दे रहा है इसको कैसे फ़ायदा उठा सकता है? सर बहुत अच्छा सवाल तकम सोनिया जी आपने पूछा जी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपको इतनी गहराई तक समझ है। जी जी, ठीक है। और मैं बार बार हर अपने संवाद में बातचीत में कहता हूँ कि कोई भी समाज और कोई भी सरकार जो सबसे बेहतर जो खर्च करता है वो है ह्यूमन कैपिटल में। जी। हम जो आज प्रयास कर रहे हैं वो ह्यूमन कैपिटल बेटर बनाने के लिए अरुणाचल में प्रयास कर रहे हैं। मैं अरुणाचल के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हम भले ही IAS कोचिंग क्लासेस कंडक्ट करते हैं
लेकिन हमने जो करिकुलम है, कोर्स है, उसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि अगर आप इस कोर्स को अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे तो आप में से कुछ लोग निश्चित तौर पर सिविल सर्विस एग्जाम जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है उसमें सफल होंगे। जो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे वो आपका जो अरुणाचल पीसीएस है उसमें भी कुछ लोग सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। और भी जो लोग बचेंगे वो नेशनल या स्टेट लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसमें सफल होंगे, चाहे वो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, चाहे EPFO में असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे वो CDS हो, चाहे इसी तरह से SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो, उसी तरह से स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और कुछ ऐसे भी होंगे कि ALS IAS में पढ़ करके इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को शायद ना क्लियर कर पाए, लेकिन इसके बावजूद वह अपने जीवन में एक बेहतर इंसान और एक सफल व्यक्ति बनेंगे। IAS की तैयारी करने के बाद अगर वो नहीं सफल होते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में और उसके बाद अपने लाइवलीहुड के लिए जो भी व्यवसाय करेंगे उसमें वो काफ़ी सफल होंगे, ऐसा हमने यूनिकली डिज़ाइन किया हुआ है इस कोर्स को, क्योंकि इसमें हमारा जो फोकस है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे है, आपके नॉलेज बेस एक्सपेंशन पे है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे है, आपको हार्ड वर्किंग कमिटेड इंडिविजुअल बनाने पे है, आपको डिसिप्लिन इंडिविजुअल बनाने पे है, आपको एक ऐसे इंडिविजुअल के रूप में बनाना है जो कि जीवन के चुनौतियों को डटकर मुकाबला करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि सर ऐसे मतलब इतना नॉलेज है कि हम दोनों अगर डिबेट करते रहेंगे या फिर हम दोनों ऐसे ही मतलब ALS के बारे में बात करते रहेंगे ना, अगर दिन भी गुजर जाएगा ना पता नहीं चलेगा, क्योंकि नॉलेज इतना बड़ा हुआ है। तो मैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि अरुणाचल के बच्चों को ALS में आ करके मतलब सर जितने यहाँ पर जो फैकल्टीज है उनके जो नॉलेज को जो है फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि शुरू में जैसे कि सर ने बताया रॉबिन हिबू सर ये चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में आने वाले समय में जो है IAS जैसे एग्जाम्स में जो है हमारे बच्चे हर साल जो है टॉप करके जो है जॉब में रिक्रूट हो जाए, क्योंकि ये सोच रहता है। तो उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ALS जो है अरुणाचल प्रदेश में काम कर रही है। सर आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि अभी जो है आपका एक बैच चल रहा है, ये बैच का शुरुआत कब हुआ और ये कब तक ख़त्म होने वाला, या फिर अभी ये जो आप लोग जो अभी बैच चल रहा है इसमें किसी को रिक्रूट करने की ज़रूरत है क्या, मतलब जो बच्चे अभी आ सकते हैं क्या, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर। अभी हमने ये बैच जो है पिछले रविवार को प्रारंभ किया जी, और ये बैच जो है एक साल का प्रोग्राम है जी। अभी हम जुलाई में 28 तारीख को, अगस्त में 3 तारीख को जी, इस बैच में इंट्री देंगे, नए बच्चे आएंगे, और इसके बाद हम जो है 16 अगस्त से सेकेंड बैच यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। ये सारे जो बैचेस हैं जो जुलाई के अंत में और अगस्त के पहले फर्स्ट 15 डेज में शुरू हो रहे हैं, ये 2025 सिविल सर्विस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से हम अप्रैल 2025 तक जो जनरल स्टडीज है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे पेपर, ऐसे राइटिंग के साथ साथ इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारा जो आवश्यकता है इस कार्यक्रम से हम कंप्लीट कर देंगे। और इस बैच में सारे ही जो ALS IAS के फ्रंट लाइन टीचर्स हैं वो दिल्ली से आएंगे और वहीं यहाँ पर क्लासेस कंडक्ट करेंगे। और जैसे कि मैं पिछले 10 दिनों से ईटानगर में रह करके क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं और पुनः एक बार अगस्त के पहले सप्ताह में आऊंगा। मेरे बाद जो जो मैथ्यू वो आने वाले हैं, उनके बाद जो रंजन कुमार हैं, पंकज सिंह हैं, और जो भी अन्य हमारे प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ टीचर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आएंगे, और हमारा एक ही अरुणाचल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे वादा है कि हम जो दिल्ली में करिकुलम चलाते हैं उसी सीरियसनेस के साथ उसी स्टैंडर्ड का जो है कोर्स ईटानगर में रन करेंगे, और आपसे उम्मीद है कि आप उसी तरह का वातावरण
इन्वायरमेंट क्लासरूम में क्रिएट करें जो दिल्ली में क्रिएट होता है। जी सर, एक बैच में जो अभी जो एक बैच चल रही है, एक बैच में कितने स्टूडेंट होते हैं? एक बैच में हम अधिकतम मैक्सिमम 125 स्टूडेंट्स ही लेते हैं जी। क्योंकि हमारा ये मानना है कि 125 के बियॉन्ड टीचर का पर्सनल अटेंशन ऑन स्टूडेंट्स कम होने लगता है। तो हमने जो है एक अपर कैप निर्धारित किया हुआ है कि 125 स्टूडेंट एट मैक्स इन ए बैच जी। तो जैसे कि सर, जैसे कि आप सभी को बताया और मैं भी ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बार बार कि ALS जो है आपको बेहतर जो है मतलब शिक्षा दे रहे हैं, खासकर जो है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। तो आपको लगता है कि ALS IAS में आपको कोचिंग करनी है और यहाँ का जो है किस प्रकार से यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है, इसके बारे में आप आ करके जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ का जो ALS के जितने भी जो फैकल्टीज हैं और जो इसको रन कर रहे हैं, इनका सोच यही है कि कम पैसे में, और यहाँ से दिल्ली क्यों, यहाँ से मुंबई क्यों, यहाँ से बेंगलोर क्यों, यहाँ से कलकत्ता क्यों, यहाँ से गुवाहाटी क्यों, आप जो है ईटानगर में ही रह के जो है ALS में कोचिंग कर सकते हैं। सर ने जैसे जिक्र किया कि आप यहाँ पर चाहे आप मिडिल क्लास के हो या फिर मिडिल क्लास से भी नीचे, या फिर जो एफर्ट करने जो लोग होता है उनके लिए भी यहाँ पर मतलब जो फैसिलिटी जो दिया जा रहा है। एक समय हम लोग सोचते थे ना, जो मिडिल क्लास होता है या फिर जो मिडिल क्लास से भी कम के लोग होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोचिंग के अभाव में, पैसे के अभाव में उनको दिल्ली जाने से हज़ार बार सोचना पड़ता था, तो उनके लिए सबसे खुशी की बात है कि आप यहाँ आ करके जो पढ़ना चाहते हैं कम पैसे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बेहतरीन जो है फैकल्टीज मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ALS जो कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ आकर के पूछताछ करके अपने फैमिली के थ्रू या फिर अपने दोस्तों के थ्रू या फिर ALS के थ्रू या फिर थीम अरुण भूमि के थ्रू आप यहाँ आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सर मैं आखिर में आपको एक सवाल, सवाल नहीं है मैं ये, ताकि जनता को पता चले, आप तमाम अरुणाचल के दर्शक को ALS को लेकर के कुछ मतलब उनके कुछ जानने की जो इच्छा होगी, मतलब वो किस थ्रू से जान सकते हैं या पर संपर्क कैसे कर सकते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा मैसेज दे सकते हैं सर? मैं आपके माध्यम से सर, और यहाँ अरुणाचल के तमाम जो युवा हैं या उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है जी। दिल्ली स्वयं ईटानगर आ चुका है, एक क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम ALS IAS कंडक्ट कर रहा है। इस सूचना को अरुणाचल के हर बच्चों तक, हर क्षेत्र तक पहुंचाएं, और आप अगर IAS या स्टेट PCS या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कृपया करके नीति विहार में ALS IAS ईटानगर का जो सेंटर है वहाँ पर विजिट करें, इंक्वायरी करें। टीम अरुण भूमि के माध्यम से भी आप हम तक पहुँच सकते हैं, और इस इंटरव्यू के दौरान एक नंबर भी नीचे दिखाया जाएगा, उस नंबर पर भी आप कॉल करके अधिक जानकारी हमारे कोर्स के बारे में, आने वाले बैच के बारे में आप प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर ने बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि हम लोग लगातार जो स्क्रीन में चला रहे हैं, एक नंबर है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और ALS के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है या पर कैसे आप मेंबर बन सकते हैं। वो तमाम जानकारी जो है उस नंबर यानी उस पट्टे पर आप अगर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको जो है वो सब कुछ बता देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप उसी नंबर पर आप फ़ोन करेंगे। सर मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय में अरुणाचल प्रदेश से 3-4 क्यों जब भी UPSC एग्जाम होता है यानी सिविल सर्विस जब एग्जाम होता है, कम से कम अरुणाचल प्रदेश से 10-15-20-25 ऐसे ही हर साल निकले और ऐसे ही आप लोग पढ़ाई मतलब लोगों को मतलब शिक्षा देंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ सर। बिल्कुल, और हम उम्मीद करेंगे कि अगले 1-2 साल में सिविल सर्विस एग्जाम में अरुणाचल से सफल एक अभ्यर्थी को लेकर के आपके साथ एक चर्चा करेंगे, और जिसको के अरुणाचल के सभी लोग देखेंगे और उनका सफल होना अन्य युवाओं को इंस्पायर करेगा। बिल्कुल सर, तो अभी हम ये कोशिश करेंगे कि ALS के बच्चों से भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि ALS IAS में जो है किस प्रकार कोचिंग की जाती है और किस प्रकार जो है फैकल्टीज जो है पढ़ाए जाते हैं और किस प्रकार बच्चों का रिएक्शन है ALS IAS को लेकर के, उनका मतलब अभी तक का सफर, उनका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, इन बच्चों से भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? तनिया तगिया। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हो? कई पन्योर।
किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं आप, यूपीएससी के लिए हो, एपीपीएससी के लिए हो, सबसे पहले ये मायने रखता है कि उस इंस्टीट्यूशन का जो है फैकल्टीज़ कैसे होगा, क्यों आपको जो पढ़ा रहे हैं या फिर जो पढ़ाने जा रहा है वो कैसे होगा, ये सब का एक सोच रहता है। अभी तक एएलएस में जितना भी फैकल्टीज़ जो आप लोगों को पढ़ाया होगा, इसको लेकर के आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये किस मतलब लेवल का जो ये टीचर है अभी यहाँ पे? पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ का बहुत अच्छा है, एंड यू नो मेंटर्स आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली फॉर टीचिंग अस, and also there are personal caretakers who are been given to us, like Babu sir is there, who has been conducting test regularly every week, and the results are given in WhatsApp group, and if there's any problem between, you know, questions and everything, he'll just answer us, and if there's any personal issues also, he'll answer us, or mentors look bhi aayega from Delhi, they'll take special classes, or un log apna personal numbers hum log ko dega, और कुछ भी क्वेश्चंस होगा, कुछ भी डाउट्स होगा, एवरी टाइम उनको रेडी रहता है हम लोग को पूछने के लिए। क्लासेस भी बहुत कभी कभी लंबा जाता है, बट इट्स ओनली गुड फॉर अस ओनली। और लेवल ऑफ टीचिंग सर लोग का बहुत अच्छा है अभी यहाँ पे, अभी तक तो बहुत अच्छा है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है हम लोग को यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा है। सुबह 7 बजे से लेके आपका क्लास कितना बजे तक चलता है? अभी तो 7 बजे से 8 से शुरू होता है, और 8 से लेके 11 तक होता है हम लोग का क्लास, एंड देन फॉर 45 मिनट्स वी गेट अ ब्रेक, and then after that from 11:45 to 2:30 har din, and after that 2:30 ke baad hamara test hota hai, I mean test in the sense ki answer writing hoga kabhi kabhi, Babu sir will come and take us answer writing for a very short session, aur kya fir test hoga, so acha hai, wo bahut acha hai, regarding any current issues mein ho jata hai kabhi kabhi, aur test le leta hai, current topics mein le leta hai hum logo, you know extra care is given to us for each and every individuals। ऐसे खबर मिल रहा है कि यहाँ पे जितना भी जो फैकल्टीज है दिल्ली से आता है, तो दिल्ली से जो लोग आ करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं, उनसे कितना आपको फ़ायदा, कितना लाभ पहुँचता है? सी द फर्स्ट थिंग इज कि लाभ तो हम जैसे अभी अरुणाचल में भी अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि यू नो टीचर्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ऑल प्लेसेज फ्रॉम आउटसाइड, बट ये जो सेलेक्टेड हम लोग के लिए मेंटर्स आता है, यू नो स्पेशली आई थिंक इट्स रिकमेंडेड फ्रॉम हिबू रोबिन सर, you know he's giving extra care to us from the Arunachal, and he's and every mentor who's coming to Arunachal, I mean for teaching us, ye log yahi bolte hai ki you know Hibu Ravin sir is expecting one or maybe two or maybe three students jo is bar IAS IPS niklega, so that is a very you know hum log ke liye ek statement aa jata hai ki ye type of hum log ko encouragement wala statements agar sir log de rahe hain, well, there is different, baki log aise koi aake hum log ko bolega nahi ki you know aapka hi Arunachal ka ek DG jo hai वो आज हम लोग को बोल रहा है कि आप लोग नेक्स्ट कोई बन सकता है, एवरी डे इनकरेजमेंट यू नो हम लोग को मिलता है सर लोग की तरफ से, तो आई थिंक दैट इज डिफरेंट यू नो ऑन मोरल ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एजुकेशन, सब चीज़ में आई थिंक दे आर एक्सेप्शनल। रोबिन सर से कभी क्लास होता है, मतलब ऑनलाइन हो या फिर कैसे ऑफलाइन हो, क्लासेस कभी हुआ रोबिन सर के साथ में? अभी तो फिलहाल स्टार्ट हुआ है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि यू नो वन डे विल गेट टू मीट रोबिन सर, बट मैम हम लोग को बताया है कि रोबिन सर भी आएगा ऐसे वैसे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग सर, इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस, आई एक्सपेक्ट कि सर हम लोग को एक दिन मिल के मिलो और बताओ अपने एक्सपीरियंस को कि कैसे पढ़ना है, कैसे रेडी करना है रूटीन्स वगैरह को। चलिए, आप लोग से बहुत सारा उम्मीदें हैं, क्योंकि आप लोग अरुणाचल के कल हो, क्योंकि कल को आप लोग यूपीएससी एग्जाम दे करके आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, ऐसे हम सब का कामना भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा से पढ़ाई करेंगे, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अरुणाचल का फ्यूचर है, उनसे भी हम लोग कुछ जान लेते हैं, क्योंकि अरुणाचल का फ्यूचर जो है ना हमारे युवाओं पर टिका हुआ है, उनसे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि ALS IAS उन्होंने यहाँ कोचिंग लेने के लिए निर्णय क्यों लिया, उनसे हम लोग सीधा जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जूनी नमुख है। कहाँ से हो? ईटानगर, करंट ईटानगर में ही है जी। आपको तो पता है हमारा अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में ऐसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेस चलती है, जहाँ पर IAS के लिए, UPSC के लिए मतलब कोचिंग दी जाती है, APPSC के लिए भी दी जाती है, APSSB के लिए भी दी जाती है, लेकिन आपने ALS को क्यों चुना, क्या रीज़न है आपका? बेसिकली जितना भी इंस्टीट्यूट है सब में थोड़ा थोड़ा जाके ओरिएंटेशन क्लासेस किया, बट देन सबसे अच्छा यहाँ में लगा, क्योंकि यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और एट द सेम टाइम जो फैकल्टी है वो भी डायरेक्ट दिल्ली से ही आ रहे हैं, और रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं, और सबसे बेस्ट यहाँ का अच्छा ये लगा कि कंपटीशन भी ठीक है यहाँ में, और स्कॉलरशिप बेसिस में मेरा मेरिट हुआ यहाँ ना, हाँ तो इसीलिए और अच्छा है, एंड देन वीकली रेगुलर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो करंट या वही सबको लाइक देखते हुए अच्छा लगा यहाँ में आने के लिए। कितना महीना हो गया यहाँ पे कोचिंग लेते हुए? मेरा एक्चुअली मेरा फाउंडेशन बेच था, सो
मेरा फेबररी से स्टार्ट हुआ एंड देन अभी जीएस स्टार्ट हो गया, तो आज भी पॉलिटी का सर पढ़ा रहे जो दिल्ली से आया, तो वो उन सबको देखते हुए यहाँ पे ज्वाइन किया सर। आप इस बात को मानते हैं ना कि आप लोग अरुणाचल के फ्यूचर हो, आप इस बात को मानते हैं? हाँ हाँ जरूर। चलिए हमसे बात करने शुक्रिया। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अभित सिरम है। कहाँ से होता है? इस सेम पासीघाट। पासीघाट से कितने महीने हो गए यहाँ पर? सर एग्जैक्टली 5 महीना, जनवरी से शुरू किया था, अभी तक चल रहे हैं। आपको तो पता है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कोचिंग क्लासेस चलती है, लेकिन आपने ALS को ही क्यों चूज़ किया और जहाँ पे अभी हम दोनों खड़े हैं यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस होती है, तो एज एक ALS यानी IAS कोचिंग के लिए, UPSC के लिए, या फिर हमारे APCS के लिए, या फिर APSSB के लिए, ऐसे कुछ मतलब कोचिंग क्लासरूम बहुत मेहतर करता है जहाँ पर इन्वायरमेंट को देखा जाता है, तो आपको क्या लगता है पिछले 5 महीना से आप पढ़ाई कर रहा है, ये क्लासरूम जो है आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है इसके विषय में आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर फर्स्ट ये ALS का बारे तो हम अपना दीदी से पता चले, दीदी भी या मैं मेरा मतलब दीदी जानने वाला वो पढ़ा था, तो वो भी आके या मैं सक्सेसफुल बन के CEO ऐसा बन गया था। एंड इसके बाद हम या मैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने के बाद या मैं आया है, तो 5 महीना हो गया पढ़ाई करने वाला, तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा लगा है। एंड देन मेंटरशिप भी या मैं अच्छा प्रोवाइड करते हैं, या बाबू सर बोल के एक है, बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, कैसे मेंस आंसर लिखना है ये सब भी सिखाते हैं हम लोगों ना। इसके बाद टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं हर वीक सैटरडे को। इसके बाद फाउंडेशन कोर्स तो हो गया हम लोग का, भी ये GS कोर्स शुरू हो गया। आप लोग के लिए इन्वायरमेंट जो बहुत मैटर करता है ऐसे मतलब जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हो, तो ये क्लासरूम जहाँ पे आप लोग पढ़ रहा है ये आप लोग के लिए इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए अच्छा है ना खराब है, आपको क्या लगता है? इन्वायरमेंट बोलने से तो सर बहुत अच्छे है, साइलेंस भी होता है एंड देन मतलब कूल भी होता है, तो कंसंट्रेशन भी अच्छा रहता है आपको, कहीं से आवाज़ नहीं आता है सर। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे जा करके सक्सेसफुल यहाँ से आप लेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम तुतु यापी है। कहाँ से होते हो? सर आई एम फ्रॉम सियांग डिस्ट्रिक्ट। जी सर। अभी आप ALS में एज ए बिगनर अभी लर्निंग कर रहे हैं, मतलब अभी आपका शुरू नया है, मतलब अभी तक का आपका एक्सपीरियंस ALS को लेकर के क्या है? सर एक्सपीरियंस तो ALS को लेकर, ALS से पहले सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ALS होता है बिगिनर एक्सपीरियंस लोग का, कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है एंड न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। और सबसे एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं तो ऑप्शनल जो एक बहुत बड़ा वो है रोल प्ले करता है, तो ऑप्शनल क्या लेना है, तो ये सब को सम अप करके जो हम लोग को गाइडेंस मिलता है, जो बूस्टअप होता है कोचिंग सेंटर, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ALS एक ऐसा कोचिंग सेंटर ईटानगर में है जो दिल्ली से कनेक्टेड है, और यहाँ का फैकल्टी जो बहुत ही दिल्ली से ही आता है और बहुत ही कैसे बताओ, हाँ नॉलेजबल आता है। जो हम लोग का असिस्टेंट फैकल्टी है जो बाबू सर है, हमें बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं सर। ही इज़ फ्रॉम मणिपुर एंड दिल्ली टेस्ट कराते हैं एंड डेली ही टेल्स अस अबाउट हाउ टू राइट द एग्जाम, और हर समय हम लोग का क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए रेडी रहता है। तो एज ए बिगिनर मुझे तो बहुत बूस्टअप मिला है ये कोचिंग सेंटर से। उसके बाद तो यहाँ का फीस भी रीजनेबल है जी, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, और सराउंडिंग बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए। जी सर। मतलब ये अभी एक ऐसे हो गया कि अभी तो आप नए हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाला समय में ALS जो है बहुत सारे ऐसे UPSC जो मतलब हमारा लड़का लड़की को मतलब वहाँ क्वालिफाइड करने के लिए ये लोग आने वाला समय मतलब करवा सकते हैं, आपको क्या लगता है एक्सपीरियंस क्या बताता है? जी सर जरूर। अभी जैसे कंपटीशन यहाँ देख रहे जो डेली टेस्ट होता है सर, हम लोग तो हर समय टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आता है, लेकिन कंपटीशन अभी स्टार्टिंग में ही इतना है, तो बाद में जाकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मैं गारंटी करता हूँ यहाँ से भी एक ना एक तो आने वाले साल में ज़रूर निकलेगा सर। यहाँ में कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई है टेस्ट वीकली टेस्ट का भी, सो और सिर्फ टेस्ट का वीकली टेस्ट का लेवल हाई ने जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो भी बहुत हाई है सर। लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है सर। आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगता है? जी सर बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए हमसे बात करने शुक्रिया। थैंक यू सर। हेलो एंड वेलकम, आई एम मनीष के गौतम, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ALS IAS। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो अरुणाचल प्रदेश से हैं या ऊपरी आसाम से हैं उन सभी तक पहुंचना चाहता हूं और उनके साथ एक बहुत ही सुखद
और खुश कर देने वाला सूचना साझा करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल कर रहा हूं ALS-IAS ईटानगर सेंटर पर 7 जुलाई 2024 को टू कंडक्ट 1-day 4-hour ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एंड थ्रू दिस 1-day 4-hour ओरिएंटेशन प्रोग्राम एट ALS-IAS ईटानगर सेंटर विच विल बी स्टार्टिंग एट 8 AM and will continue till 10 a.m. Then there will be a lunch break of 1 hour and again it will start at 11 a.m. and will continue till 1 p.m. You can get initiated into civil service exam preparation with positive frame of mind. और इस एक दिन 4 घंटे के orientation कार्यक्रम के माध्यम से हम और आप मिलकर संयुक्त रूप से एक साझा roadmap बनाएंगे और इस रोडमैप के माध्यम से आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। हम इस कार्यक्रम से GS के सिलेबस को डिकोड करेंगे, इस परीक्षा की जो अलग अलग मांग है उसको समझने जानने का प्रयास करेंगे और आप एक सिस्टमेटिक रिदमिक टाइम बाउंड प्रिपरेशन फॉर IAS एग्जाम कर पाएंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड to meet civil service aspirants from Arunachal Pradesh and Upper Assam on 7th July 2024 at ALS-IAS Itanagar Center. आपको सिर्फ करना क्या है? आपको इस वीडियो में नीचे दिए जा रहे नंबर पे कॉल करना है या थोड़ा समय निकालकर ALS-IAS Itanagar Center पहुंचना है और कंफर्म करना है अपने पार्टिसिपेशन को। थैंक यू, सी यू ऑल on 7th July 2024 in the morning 8 a.m. at ALS-IAS Itanagar Center.